जयनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अपने पति के दीर्घायु होने के लिए सुहागिनी ने वट सावित्री व्रत किया। इस दौरान सुहागिनों ने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर वट सावित्री की कथा सुनी और अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य समृद्ध जीवन के लिए कामना की। पूजा अर्चना के बाद सुहागिनी एक दूसरे को नाक से सिंदूर लगाकर अमर सुहाग की कामना की। बताते चले कि वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म में खास और महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को सुहागिनी अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं, जो प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या में किया जाता है। प्रखंड के परसाबाद, पिपचो, केतरोन, सांत, जयनगर, हिरोडी सहित कई गाँव में सुहागिनों ने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर पेड़ में धागा लपेटकर पूजा अर्चना की और अमर सुहाग की कामना की। प्रखंड के साथ में पूजा देवी, रूपा देवी, सुनीता देवी, ममता देवी, पिंकी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में सुहागिनों ने पूजा अर्चना की और अमर सुहाग की कामना की। जयनगर से आरपी भारत के लिए रणजीत कुमार भारती की रिपोर्ट। सावित्री, वट सावित्री की पूजा हर शादीशुदा औरतें करती हैं। वट सावित्री की पूजा औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह पूजा हर वर्ष किया जाता है, जिसमें औरतें व्रत करके बरगद की पूजा करती है। वट सावित्री का पूजा इसलिए किया जाता है सब स्त्रियों का कि अपने पति का लंबी उम्र बढ़ाने के लिए और अपना घर परिवार का सुख शांति मिलने के लिए, ताकि मेरा घर परिवार का अच्छा रोजी रोजगार बढ़े और बढ़िया से सुखी शांति का जीवन अपन दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स। हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।